हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ DMLT, ए स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड अगार। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड अगार क्या है, क्यों है और किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो अपने चैनल को अब तक नहीं करा है तो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की धमाकेदार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी एक के बाद एक। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्लड अगार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है ब्लड अगार। ब्लड अगार हमारे पास एक एनरिचमेंट मीडिया है, ठीक है, जिस पर हम उन पैथोजेंस या बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं जो ईजिली सिंपल मीडियाज पर ग्रो नहीं होते, ठीक है। इस टाइप के बैक्टीरियाज को हम एक इस टाइप के बैक्टीरियाज के लिए ना हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस वो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स और एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ब्लड अगार पर वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं इजीली, ठीक है, जो कि सिंपल अगार पर ग्रो कराना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, वो सिंपल अगार पर ग्रो ही नहीं होते, इसीलिए हम ब्लड अगार पर उन्हें इजीली ग्रो करा सकते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब इस बैक्टीरियाज को ही ले लो, ये किसी और अगार मीडियम पर ग्रो ही नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ ब्लड अगार और चॉकलेट अगार पर ही ग्रो होता है, ठीक है। इसकी ग्रोथ सिर्फ इन दो मीडियास पर ही आती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि चॉकलेट अगार भी इसी का ही डेरिवेटिव है ब्लड अगार का, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड निसेरिया स्पीसीज, इन बैक्टीरियाज को ये इन बैक्टीरियाज का तो ये फेवरेट अगार मीडियम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। पेप्टोन वाटर इसमें 0.5% है, ये प्रोवाइड कराता है बैक्टीरियाज को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, नाइट्रोजिनस फैक्टर्स, ठीक है। ये बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। ब्रीफ एक्सट्रैक्ट इसमें हम 0.3% यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है ब्रीफ एक्सट्रैक्ट, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये एक तरीके से मान लो आप विटामिन्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कैप्सूल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्ब्स हो गए हमारे, विटामिन्स हो गए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए एंड सॉल्ट्स हो गया, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी सोल्यूबल फॉर्म को ब्रीफ एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 1.5% यूज़ कर रहे हैं, ये एज अ सॉलिडिफाइड एजेंट यूज़ होता है यहाँ पर, NaCl मेन सॉल्ट। सॉल्ट हम यहाँ पर 0.5% यूज़ कर रहे हैं, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट में डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये जो कंपोजिशन बताई मैंने आपको, ये नॉर्मली न्यूट्रिएंट अगार की कंपोजिशन है, ठीक है। ये मेनली आपको हर अगार मीडियम पर मिलेगी देखने के लिए, ठीक है, सबके अंदर ये इंक्लूड होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ब्लड अगार की, तो ब्लड अगार है हमारा एनरिचमेंट मीडिया, तो उसके अंदर एक स्पेशल कॉम्पोनेंट है, हम यूज़ कर रहे हैं 5% शिप ब्लड, ठीक है। यही हमारे अगार का एनरिचमेंट सब्सटेंस है, यही इस अगार प्लेट को सबसे अलग करता है और एनरिच बनाता है, ठीक है। और पीएच हमारा 7.2 से 7.6 के बीच में ही रहना चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। हमें 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 28 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार पाउडर डालना है, ठीक है। 28 ग्राम एक्यूरेटली वेट करके डालना है, ठीक है, ना 1 ग्राम ज़्यादा ना 1 ग्राम कम, बिल्कुल एक्यूरेटली 28 ग्राम्स डालना है वेट करके। फिर इसमें अच्छे से इसे मिक्स करना है, ठीक है। अगर ये मिक्स ना हो तो इसे थोड़ी थोड़ी हीट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, हीट करके इजीली डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब डिसॉल्व होने के बाद फिर इसे स्टरलाइज करना है हमें, इसे ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए मॉइस्ट हीट की हेल्प से स्टरलाइज करना है, ठीक है। फिर इसे ठंडा करना होता है, ठंडा इसे इतना ही करना है कि इसका टेम्परेचर 40-45 तक ही रहे, ठीक है, इतना ही ठंडा करना है, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 5% स्टेरलाइज डिफिब्रिनेटेड शिप ब्लड डालना है, ठीक है। और अब ये रेडी टू यूज़ हो गया, ठीक है।
मतलब अभी तो नहीं हुआ, अभी तो इसे पोर भी करना है, मतलब एक तरीके से रेडी हो गया हमारा ब्लड अगार बनकर, ठीक है। फिर अब इसे लास्ट में इस सॉल्यूशन को पैटरी प्लेट्स में पोर करना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, हर प्लेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा इसे डालकर ड्राई करने के बाद इसे यूज़ करना होता है, ठीक है। जब ये सूख जाएगा तो ये सॉलिड अगार अपना जो वो है सॉलिड बन जाएगा इसका, ये जो लिक्विड था ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई होने के बाद। फाइनली हमारा ब्लड अगार बनकर तैयार हो गया है। तो गाइज एक क्वेश्चन और था मेरा आपके लिए, इसे एज अ होमवर्क रख लेना आप, कि हम इसमें ह्यूमन ब्लड भी तो यूज़ कर सकते थे, हमने इसमें शिप ब्लड ही क्यों यूज़ करा, ठीक है। तो इस आंसर का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टाइप कर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज़ देखना मेरी, आपको इस आंसर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूजेस, और एक बात और गाइस, अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज़ वीडियोस भी लाइक कर दें। यूजेस ऑफ ब्लड अगार देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़, ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा यूज़, ये बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज। ये बैक्टीरियाज की हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज से उन्हें डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस एंड गामा हीमोलिसिस में, ठीक है। ब्लड अगार पर ये 3 टाइप्स की ही हीमोलिसिस होती है, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस एंड गामा हीमोलिसिस, ठीक है। पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो हीमोलिसिस हो रही है वो बीटा हीमोलिसिस में हो रही है, ठीक है, बीटा वाले अगार प्लेट पर, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट अगार प्लेट है, ठीक है। उससे कम अल्फा में हो रही है और गामा में तो कोई भी हीमोलिसिस ही नहीं हो रही, जैसा आप देख सकते हैं पिक में। अब मैं बताता हूँ आपको हीमोलिसिस होती क्या है आखिर, ठीक है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स टूटने को हम हीमोलिसिस कहते हैं, हमारे जो ब्लड में RBCs हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना, टूटते हैं एक के बाद एक, उसे हम हीमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस होता है जो हीमोलिसिस कॉज करता है, वो है हीमोलाइसिन, ठीक है। जो बैक्टीरिया हीमोलाइसिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं ना, सिर्फ वही बैक्टीरियाज हीमोलिसिस कॉज करेगा, ठीक है, अदरवाइज हीमोलिसिस कॉज नहीं होगी ब्लड अगार पर कोई भी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे ब्राउन नाम के, ठीक है, उन्होंने पहली बार इस चीज़ को ऑब्जर्व करा था ब्लड अगार पर। अब पढ़ते हैं सबसे पहले बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस है क्या आखिर? बीटा हीमोलिसिस हम उसे कहते हैं जब बैक्टीरियाज कॉलोनीज के आसपास ना कंप्लीट हीमोलिसिस होती है, मतलब एक ब्रॉड हीमोलिसिस दिखाई देगी बैक्टीरियाज कॉलोनीज के आसपास, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर होता है, ठीक है, हीमोलिसिस का, उसे हम बीटा हीमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और ये इसे, इस हीमोलिसिस को कौन हेल्प करता है करने के लिए, वो है हीमोलाइसिन ओ एंड एस सब्सटेंस, ठीक है। जो बैक्टीरियाज इन्हें रिलीज करते हैं ना, ठीक है, वही बैक्टीरियाज इस बीटा हीमोलिसिस को कॉज कर पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ठीक है, और वीकली बीटा हीमोलिसिस कॉज करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, फिर फेंजिस एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस, ठीक है। अब पढ़ते हैं अल्फ़ा हीमोलिसिस। अल्फ़ा हीमोलिसिस में इनकम्प्लीट हीमोलिसिस होती है, ठीक है, या कह लो पार्शियल हीमोलिसिस होती है, ठीक है, या कम हीमोलिसिस कह लो आप, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बीटा हीमोलिसिस से। बीटा हीमोलिसिस में ब्रॉड थी तो इसमें इनकम्प्लीट होगी या कम होगी, ठीक है, उससे कंपेरिजन आपको साफ पता चल जाएगा, ठीक है। और इसे हम ग्रीन हीमोलिसिस भी बोलते हैं। अल्फ़ा हीमोलिसिस तब होती है जब बैक्टीरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। बीटा हीमोलिसिस में क्या रिलीज कर रहा था बैक्टीरिया? हीमोलाइसिन ओ एंड एस सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज जो बैक्टीरिया करते हैं वो अल्फ़ा हीमोलिसिस कॉज करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें ऑक्सीडाइज करता है ग्रीन मिथ हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ये तब
तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें एक ग्रीनिश कलर की शेडेड लेयर दिखाई पड़ती है, मतलब हमें ग्रीनिश कॉलोनीज दिखाई देंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये भी एक इसकी आइडेंटिफिकेशन की एक पहचान है कि एक ग्रीनिश कॉलोनीज और इनकम्प्लीट कॉलोनी इनकम्प्लीट हीमोलिसिस दिखाई दे तो वो अल्फा हीमोलिसिस है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ग्रुप ऑफ ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सभी बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लास्ट है हमारा गामा हीमोलिसिस। गामा हीमोलिसिस में आपको जीरो हीमोलिसिस दिखाई देगी, मतलब आपको कोई भी हीमोलिसिस दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आप सिर्फ बैक्टीरियास कॉलोनीज ही देख पाएंगे, ठीक है। बैक्टीरियास कॉलोनीज के आसपास जो हीमोलिसिस होती है ना वो नहीं होगी, नॉर्मली बैक्टीरियास कॉलोनीज ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एंट्रोकोकस फैसिलस, ठीक है। इसे हम ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। ये नॉन पैथोजेनिक कैटेगरी का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इमेज में देख लो आप, फर्स्ट एंड जो सेकंड इमेज आपको दिखाई दे रही है वो आपको गामा हीमोलिसिस शो कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक्टीरियास ग्रोथ ही दिखाई पड़ रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आसपास कोई भी हीमोलिसिस नहीं है, ठीक, कोई भी सेल हीमोलाइज्ड नहीं दिख रहा। थर्ड पिक में अल्फा हीमोलिसिस हो रही है और फोर्थ पिक में बीटा हीमोलिसिस हो रही है। देखो कितनी ज़्यादा हीमोलिसिस दिखाई पड़ रही है फोर्थ पिक में, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियोस। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, करें बिना ना जाएं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका भी कमेंट्स में आंसर ज़रूर दें। थैंक यू।